नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भोपाल युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने स्टॉल लगाकर बेरोजगारी दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया। 2 करोड़ रोजगार का वादा कर सत्तासीन हुए मोदी जी ने देश के युवाओं को ठगा है। आज देश भर में आक्रोशित युवा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। विवेक त्रिपाठी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया के निर्देश पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर मोदी प्रॉपर्टी मेला लगाकर प्रदर्शनी दिखाई। वहीं साथ में बेरोजगार वकील ने मूंगफली की दुकान, बेरोजगार इंजीनियर ने चाय की दुकान, बेरोजगार डॉक्टर ने जूते पॉलिश की दुकान और बेरोजगार शिक्षक ने फल और सब्जी की दुकान लगाकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विवेक त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने उनके मित्र पूंजीपतियों को देश की संपत्ति कौड़ियों के दाम में बेच दी। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, युवा कांग्रेस अनिल मिश्रा आदि मौजूद थे। भोपाल संभाग ब्यूरो, दीपक बर्थी की रिपोर्ट।